ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्तवृंद बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम परमारध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री सिद्धर गोसाई महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा की वांछा करता हूँ।
तत्पश्चात नित्यलाभ विष्णु पाद अष्टोत्तर सहस्री श्रीवाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की श्री चरण कमल वनंत गुड़ साष्टांग दंड प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंद वैष्णव सतीर्थ गुरु रविंद सबके चरण दंड प्रणाम स्वीकार। हम लोग पद्म पुराण अंतर्गत ये श्रीमद् भागवत को महात्म को श्रवण करते हुए आत्मदेव तथा गोकर्ण महाराज के प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। अब तक हम श्रवण किए कि ये जो धुंधुकारी तथा गोकर्ण महाराज के आविर्भाव हुआ है तथा जन्म हुआ है और ये जो दोनों ही का जो स्वभाव है पूरा भिन्न भिन्न है। एक तो भगवत कृपा से प्राप्त हुए, वैष्णव संन्यास की कृपा से प्राप्त हुए, साधु वैष्णव कृपा से प्राप्त हुए जो गोकर्ण महाराज, मगर ये जो धुंधुली धुंधुल से जो उत्पन्न हुए तथा उनके जो धुंधुकारी वो अत्यंत महाखड़ा कि हम श्रवण किए थे कि ये जो गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधुकारी महाखड़ा, ये गोकर्ण महाराज थे वो अत्यंत पंडित थे, ज्ञानी थे तथा शास्त्रविद विद्वान, मगर ये जो धुंधुकारी था वो अत्यंत खड़ था। बोले की सूची पवित्रता क्या कुछ ज्ञानी नहीं है, पुनः जो क्या धर्म क्या वास्तव जीव का वास्तव क्या कारण कार्य क्या ये कुछ पंथा उनको पता ही नहीं, क्या कर रहा था हर समय असत कार्य में रत था तथा मदिरा पीता था, चोरी इत्यादि ऐसा कुछ असत कार्य नहीं था जो वो किया नहीं, तो ऐसे ऐसे ये धुंधुकारी ने क्या कर रहा था ना सारी की सारी उपद्रव अपने घर में कर रहा था तथा अपने पिता को आत्मदेव को घर से इतने सारे सामान था धन संपत्ति इत्यादि का सारी की सारी क्या कर रहा था ना अपचय करते हुए उनको शराब पीने में सारी सारी विनियोग कर दिया तथा लास्ट में अपने पिताजी को भी अत्यंत दो कष्ट इत्यादि दिया। तभी आत्मदेव ने अत्यंत क्या किए ना अत्यंत दुखी हो गए, बल्कि ये वही आत्मदेव जब कोई पुत्र संतान नहीं था उस समय भी दुखी थे, अभी पुत्र मिल गया मगर सुपुत्र ना होकर जब कुपुत्र मिलता है वो ही क्या कर देता है ना उनका जो कष्ट दुख द्विगुणित कर लेता है, तो इसलिए अभी आत्मदेव अत्यंत सोचना करते हुए बड़े दुखी हो रहे। तो वास्तव में अभी उनका दुख का कारण क्या है, इसलिए बोलते है कि धुंधुकारी के द्वारा प्रताड़ित होके इसलिए ब्राह्मण देव ने वांछन चिंता कर रहे कि तत्पिता कृपण पर चेर धनहीनो रुरोदह मंदतम तु समीचीनम कुपुत्र दुखदायक। बल्कि अभी क्या हो रहा है ना अभी आत्मदेव अत्यंत दुख में, बोले किस कारण के लिए, बोले कुपुत्र को प्राप्त हुआ कि ये जो पुत्र हुआ वो अत्यंत क्या कर रहा है ना उनको उत्पीड़न कर दे रहा है, उत्पीड़न दे रहा है तथा सारी सारी जो कुकर्म में लिप्त हो गया, इस कारण के लिए घर के इतने सारे धन संपत्ति था असत कार्य में विनियोग करता है, उसको क्या कर रहा है ना मदिरा पीना में विनियोग करता है, इसलिए बोलते हैं कि ये जो कुपुत्र है वो अत्यंत दुखदायी है। तो इसलिए ब्राह्मण ने चिंता करे आत्मदेव ने कि को तिष्ठामि को गच्छामि को दुखम व्यपोहेत प्राण स्तज्यामि दुखेन हा कष्टम मम मस्तितम संस्थितम कि अभी इतना कष्ट में चिंता कर रहे कि अभी मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ तिष्ठामि को गच्छामि को मैं दुखम व्यपोहत कि वास्तव में मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रुकूँ और मेरे जो दुख कैसे प्रशमित होगा, और इतने सारे मुझे कष्ट हो रहे वही दुख कष्ट ये कैसे जाएगा, अगर ये ठीक ठीक रूप में ये मेरा कष्ट लाघव नहीं होता तो मैं क्या करूँगा, इतने दुख में मैं प्राण विसर्जन करने के लिए भी प्रस्तुत हो गए कौन आत्मदेव। मगर उस समय बड़ा अद्भुत पूर्ण में अभी तो ये धुंधुकारी के द्वारा प्रताड़ित हो रहे थे और गोकर्ण महाराज थे जो वो अत्यंत प्रसन्न चित्त में तथा भागवत भजन में रत थे, उसी समय ही आगमन होता है किसका ना गोकर्ण महाराज का। तो गोकर्ण महाराज ने पिता के ऐसा अवस्था को देखते हुए उनके प्रति क्या किए ना कुछ उपदेश प्रदान कर रहे, वह बड़ा मार्मिक है। तो
अभी वही गोकर्ण महाराज अपने पिता को उपदेश तथा ज्ञान प्रदान करे कि वास्तव में दुख का कारण केवल असारह खड़ु संसार दुख रूपी विमोह कह सुतम काम्य धन कस्य स्नेह वा जंजाले निशम कि ये संसार अत्यंत कैसा है, बोले कि असार है, सार विहीन है। सार विहीन होने के कारण यहाँ में क्या ना दुख ही इसका मूल कारण है। इस संसार में जो भी कार्य कोई करेगा इसका अंतिम परिणति दुख मिलता है। तो इसलिए ये क्या करता है ना, जीव को मोहित करता है और क्या दुख रूपी विमोहक के दुख क्या करता है ना, संसार के सारी सारी जीवों को विमोहित करता है, मोहित करता है। सुतरंग कम्य धन कस्य धन सुतं कस्य धनम कस्य, कि इस जगत में वास्तव में पुत्र कौन और के कि कौन किसका पुत्र है, ये वास्तव में इस जगत में क्या धन है। तो इधर जो भी कोई आ गया बोलते हैं कि उसमें क्या ना इसको जंजाल में उनको जलना ही है, इसलिए उनको संसार कहा गया है। ये संसार में जो भी आ गया ये संसार क्या है, बोले कि दुख की ये कारागार है। इधर जो आया है वो दुख ही मिलेगा, उनको सुख कभी भी नहीं मिल सकता है। तो इसलिए संसार में जो भी आए वो दुख ही प्राप्त परिणति है, अच्छा चीज मिल नहीं सकता है। मगर दुखालय में इसलिए भगवान ने क्या बोले कि ना दुखालयम, बोले कि दुख का आलय है ये संसार। तो यहाँ पे दुख मिलना ही सार है, इधर कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। मगर पिताजी आप आज अगर दुख प्राप्त कर रहे हो इसके लिए ये कारण है कि दुखालय में आके आप सुख को अनुसंधान कर रहे हो, इसी कारण के लिए। बोले कि न चंद्र से सुखम किंचित किस्मित न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्थि विरक्त मुनेर कांत जीवी न। तो वास्तव में अगर इस जगत में सुख नहीं, हर समय सब दुख ही प्राप्त होते, संसार की जो लोग मतलब जो जंजाल ग्रस्त हुए, जो संसार में विषय वासना में लिप्त हुए हैं, तो फिर बोलते हैं कि न चंद्र से सुखम किंस्मित, कि वास्तव सुख इंद्र में भी नहीं है और न सुखम चक्रवर्ती न, ये जो चक्रवर्ती सम्राट जो है उनके पास भी सुख नहीं है। तो वास्तव सुख किसमें है, बोले कि सुखम अस्ति विरक्तस्य, कि वास्तव सुख तो किसमें है ना, वैराग्य में, वैराग्य में। अर्थात जो अज्ञान की विरक्त है वो ही वास्तव सुख को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो और किसी कोई मनुष्य के शरीर में तथा इंद्र इत्यादि जो चक्रवर्ती सम्राट इनका वास्तव में उनके पास ही क्या नहीं है ना, ये जो सुख मिलने का कुछ उपाय नहीं है तथा वो लोग भी सुखी नहीं है। तो वास्तव में ये दुखालय में दुख मिलना ही सार वस्तु है। तो पुनः बोल रहे कि देहस्ति मांस रुधिरे अभिमतं तेजत्वं जायासुता दिशु सदा ममतं विमुंच पश्च निश्च जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। बोले कि शरीर कैसा है, बोले कि शरीर के लिए क्या होता है ना, मैं और मेरा ये दोनों जो अहंकार आता है इसके कारण जीव क्या करता है ना होता है। जीव वास्तव में भगवान को होने के कारण भगवान की सेवा पूजा करना उनका वास्तव करते हो, मगर जब माया ये जड़ शरीर देता है उसमें जो मैं और मेरा ये जो दोनों का जो अहंकार आ जाता है इसके द्वारा क्या करता है ना, मान लेता है और शरीर संबंध वस्तु को मेरा मान लेता है। उसी कारण के लिए इधर ये फंसा हुआ है और फंसा होने के कारण क्या करे ना, शरीर को ही सर्वोच्च मान रखा है। मगर ये जो शरीर है कैसा है, नश्वर है, उसी को प्रकाशित करे। बोले कि देह अस्थि मांस रुधिरे अभिमतं तेजत्वं, बोले कि जो शरीर है कैसा है ना, अस्थि मांस रक्त ये उसका के पिंड है। और बोले कि फिर इधर ये शरीर को प्राप्त करके क्या कर रहे हैं ना, जाया सुता दिशु सदा ममतं विमुंच, बोले कि ये शरीर संबंधित जितने सारी वस्तु है उसको ही क्या करता है ना, हाँ बोले कि शरीर तथा शरीर संबंधित जितने सारी ममता है उसको त्याग करो, विमुंच त्याग करो। पुनः पश्य निश जगत इदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिक भव भक्ति निष्ठ, कैसा है, बल्कि क्षण भंगुर तथा जो क्षयशील है क्षयमाण
उसको ही क्या करो ना, क्षण भंगुर ज्ञान करते हुए ना वैराग्य राग रसिक भव भक्ति निष्ठ। केवल ये वैराग्य रस में रसिक होते हुए तथा वैराग्य को आचरण करते हुए क्या ना भव भक्ति निष्ठ, भगवान की भक्ति में क्या हो ना मन निवेश करो, तो उसके द्वारा ही क्या हो सकता है ना जीव को वास्तव सुख तथा कल्याण मिल सकता है। यही इसलिए गोकर्ण महाराज ने अपने पिता को उपदेश प्रदान कर रहे, तो फिर ये को हम आगे श्रवण करेंगे, वे गुरु जी मुख से मुखारविंद से श्रवण करेंगे। श्री गौर प्रेमानंद हरि बोल हरे कृष्ण। बस वृंदावन बिहारी लाल की, बस सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलंबितभुजौ कनकाभदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरि कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम राम, बोल हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु श्री नवद्वीप में श्री सची मैया की गर्भों को आश्रय करते हुए उन्होंने जन्म ग्रहण किया। जन्म ग्रहण करने पर सारे नवद्वीप वासी कैसे एकत्रित हुए, मतलब केवल नवद्वीप वासी नहीं, जैसे कृष्ण जब जन्म हुए उसी समय में जन्म उत्सव में कहते सारे देवा देवी ब्रह्मा शंकर भी वो जन्म उत्सव में आए थे। यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर वर्णना करते हैं जब श्री सचिनंदन गौर हरि जन्म हुए उसी में भी ब्रह्मा शंकर नारद इंद्र चंद्र वायु वरुण ये 33 करोड़ देवता भी सब के सब छुप करके आए थे। केवल देवता नहीं उसमें जितने देवियां भी सब के सब छुप करके आए थे, लेकिन सबके सब मनुष्य रूप धारण करते हुए आकर के श्रीमन महाप्रभु को दर्शन कर रहे थे और महाप्रभु को प्रणाम कर रहे थे। इसे कथकल्य हम लोग ने श्रवण किया कैसे सारे नवद्वीपवासी जन्म होकर के सबके सब श्री हैं हरि बोल करते करते हरि कीर्तन कैसे सबके सब कर रहे थे। आज हम लोग श्रवण करेंगे जब महाप्रभु जन्म हुए कहते महाप्रभु के जो माताजी की जो पिताजी थे नीलांबर चक्रवर्ती नानक जना, इसलिए कहते ये श्री नीलांबर चक्रवर्ती बड़े ज्योतिष बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने सारे ग्रह नक्षत्र को देखा, जैसे हम पहले सुना था जो जयंती सप्ताह है वो साधारण व्यक्ति का जन्म उत्सव में
हम सबके सब जयंत सब तो प्रयोग करते हैं, लेकिन कहते नहीं, सभी की जन्म उत्सव में यहाँ तक भी कृष्ण शिवाय अन्य दूसरे दूसरे अवतार का जन्म में भी ये जयंती शब्द को हम प्रयोग नहीं कर सकते। ये केवल कृष्ण जन्म में और केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म को में को ही हम लोग जयंती शब्द केवल हम प्रयोग कर सकते हैं। नीलांबर चक्रवर्ती ने सारे ग्रह नक्षत्र को देख करके उन्होंने देखा, ये जो तुम्हारी बच्चा है ना, ये जिस समय जन्म हुआ है वो ज्योतिष शास्त्र कहता है ये एक दिन ये चक्रवर्ती राजा बनने वाला है। और कहते इसी समय में साधारण व्यक्ति जन्म नहीं लेते, इस समय तो साक्षात भगवान ही जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए तुम्हारी ये बच्चा है जगत में क्या करेगा, सारे जीवों को उद्धार करते हुए कद कलिजु का युग धर्म को स्थापन करेगा और सर्वत्र ब्रह्मा शिव नारद वांछित प्रेम को ये शुद्ध सनातन धर्म और ये भागवत धर्म को जगत में प्रचार और प्रसार करेगा। कदे यहाँ तक भी कदे जो यवन लोग हैं वे भी इनके प्रति आकृष्ट होएंगे और आकृष्ट होकर के इनके चरणों को आश्रय ग्रहण करते हुए वे लोग भी सनातन धर्म को ग्रहण करने वाले। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का धर्म में श्री हरिदास ठाकुर जी काजी हैं, ये सब के सब ये जवन जाति के थे, लेकिन महाप्रभु का प्रति आकृष्ट हुए। और परवर्ती समय में भी अभी हम भी देखते हैं जहाँ पर मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर भी मुसलमान लोग भी अभी भी तिलक माला कंठी लगा करके वे लोग भी श्री सचिनंदन गौर हरि की जय कहते, वे भी अभी हरि कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने सारे बात एक एक करके सब जीवन की बात बताई, लेकिन एक बात जब आया ना फिर उन्होंने वो बात को छुपा दिया। कहते कौन सा बात है, जब उनकी संन्यास लेने का समय आया उन्होंने देखा ये बच्चा संसार में नहीं रहेगा, संन्यास ग्रहण करने वाले, इसलिए उन्होंने ये बात को उन्होंने बताया नहीं, ये बात को उन्होंने छुपा दिया। ये दुखी दुखी हो जाएंगे, जैसे श्री वशिष्ठ जी जब उन्होंने राम की कथा को उन्होंने जन्म पत्री को देख रहे थे, उन्होंने सारे बात को बताया ये बेटा कैसे बनने वाले क्या बनने वाले, लेकिन जब उनको वनवास का समय आए फिर सबको दुख होगा, इसलिए उन्होंने वनवास की बात उन्होंने नहीं बताया। उसी तरह श्री कहते नीलांबर चक्रवर्ती भी इन्होंने भी उनको संन्यास का बात बताया नहीं, क्योंकि सब दुखी हो जाएंगे। और महाप्रभु जन्म ग्रहण करने पर जैसे साधारण रूप में लोग जैसे श्री कृष्ण को बड़े आशीर्वाद दे रहे थे, कल हम गा रहे थे ना, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो नंद लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला, गोकुल में आयो नंद लाला गोकुल में आयो नंद लाला, गोपियों से पड़ गया अब पाला गोपियों से पड़ गया अब पाला, जियो श्याम लाला जियो नंद लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। कि वहां पर जितने दिव्या भी आकर के छुप करके ब्रह्माणी रुद्राणी इंद्राणी कद वो सबके सब आकर के कृष्ण को ऊपर से महाप्रभु का दर्शन कर रहे थे और धन्य दुर्वादी द्वारा महाप्रभु का आशीर्वाद दे रहे थे और जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी साची लैला तेरो ललना, मैया तेरो ललना मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना।
सबके सब यहाँ आशीर्वाद दे रहे थे महाप्रभु को, हैं, सबके सब आशीर्वाद दे रहे थे। कभी यहाँ पर जब भक्तों का तिथि का इतना महत्व, तो भगवान का तिथि का कितना महत्व नहीं होगा, हैं? इसलिए सबके सब आकर के आशीर्वाद दे रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे सबके सब। इसलिए यहाँ पर अभी जब महाप्रभु जन्म ग्रहण किया, अभी सबके सब नवद्वीप धाम में कोई भी, जैसे श्री ब्रज में कोई भी कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानते थे, सबके सब कोई मानते थे ये लाला है हमारी, कोई कहते थे ये सखा है, कोई बोलते थे ये हमारी प्रियतम है। इसलिए श्री नवद्वीप में यहाँ पर भी वही अभिन्न कृष्ण महाप्रभु का रूप में आए, और जितने सबके सब ब्रजवासी भी अभी सबके सब श्री नवद्वीप में आए। इसलिए यहाँ पर भी श्री निमाई को है कोई अपना लाला मानते हैं, कोई सखा मानते हैं, यहाँ पर भी ठीक ऐसे ही प्रभु लीला कर रहे थे। बोले गौरव चंद्र अभिभाव सुने जय जने, कभू दुख नहीं तार जन्मे बा मरणे। यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो महाप्रभु ने जन्म ग्रहण किया है, अगर ये कथा को सुनेगा तो इसका फल क्या है? वो कह रहे इसका फल है कभू दुख नहीं तार जन्मे बा मरणे। कभी भी वो व्यक्ति जब जीवन और मरण में कभी जिंदगी में उसको कभी दुख नहीं होगा, है, हर समय वो व्यक्ति आनंद आनंद में रहेगा। लेकिन महाप्रभु ने एक सुंदर लीला उन्होंने किया है। बोले कौन सा लीला की? कौन सा लीला की? जन्म लेते बच्चे रोते हैं, श्रीमन बीच बीच में रोते हैं, लेकिन रोने पर जितना सांत्वना देने पर भी कभी इनकी रोना बंद नहीं होता था। लेकिन इनका रोना कब बंद होता था, है? लेकिन जब के सब जितने महिलाएं बोले हरि नाम सुन ले रहे न तत्क्षण, लेकिन तब उनकी रोना अपने आप बंद हो जाता था। जबकि जब सबके सब श्री हरि नाम कीर्तन करते थे, अपने आप महाप्रभु का रोना बंद हो जाता था, अपने आप रोना बंद हो जाता था। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु क्या करते थे, जानबूझ कर कभी कभी रोते थे। किस लिए रोते थे? बोले सबके सब हरिनाम करेंगे, हैं, सबके सब हरिनाम करेंगे। इसलिए महाप्रभु जानबूझ कर रोने पर हर वृंदावन दास ठाकुर उनको घर हर समय हरि कीर्तन में घर गूंज उठता था, सबके सब हरि कीर्तन में गूंज उठता था। यहाँ पर कहते हैं कि इसको द्वारा महाप्रभु ने शिक्षा क्या दिया है जगतवासियों को, उन्होंने शिक्षा क्या दिया, कहते जगतवासियों को ये शिक्षा दिया, हम भी संसार में सबके सब रोए रहे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी कृष्ण का दास है। इसलिए संसार में सबके सब दुखी हो रहे हैं। इसलिए जिसने दुनिया को बनाया वो खुद कहता है ये संसार दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है, ये सबके सब संसार अनित्य है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, ये संसार में सुखी होना चाहते हैं। लेकिन किस चीज को लेकर सुखी होना चाहते हैं? कहते ये माया की वस्तु को, दुनियादारी सांसारिक वस्तु को। हम सोचते हैं शायद हमारे पास में ज्यादा पैसा हो जाएगा ना, फिर तो हम संसार में सब सुखी सुखी हो जाएंगे। भैया अगर पैसा रहने पर सुखी होता है तो रावण सबसे ज्यादा सुखी होता रावण, क्योंकि जिनके पास में सोना का लंका, जिसके पास में, हमारे पास में कितना सोना होगा, 1 किलो 2 किलो 20 किलो 100 किलो, उससे तो ज्यादा होगा नहीं ना। उसको पूरा लंका ही सोना है, जिसको विश्वकर्मा ने, जिसको ब्रह्मा ने जो लंका को सोने में बनाया। सोचते हैं शायद अच्छी किसी सुंदरी स्त्री से शादी हो जाएगा ना, सुखी हो जाएंगे। उसका पत्नी का नाम थी मंदोदरी। मंदोदरी मतलब क्या है? मंद मतलब होता है पतली, उधर मतलब कमर, जिसका कमर बहुत पतली थी वो विश्वकर्मा की वो बेटी थी, जिसको हनुमान देख करके सोच रहे थे क्या यही तो माँ लक्ष्मी नहीं, सीता नहीं, इतने सुंदरी हैं। फिर उसको जितने सुंदरी से सुंदरी है देवलोक में, गंधर्व लोक में, नाग लोक में, कहीं से भी उनकी सुंदरी से सुंदरी कहीं मिली, उनको पकड़ करके जोर जबरदस्त उसने पत्नी बना कर रखी थी। फिर सोचते हैं शायद सुंदर बच्चा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। भैया जिसको पास में एक कहते 1 लाख संतान, 1.25 लाख क्या नाती है,
एक लाख 97,000 नाती जिसको घर, इतने बड़े परिवार उसके साथ में था, लेकिन कहते राम विमुख कभी सुख नहीं पावा, कहते भगवान से राम से विमुख होकर के वो बेचैन शांति में नहीं रहता था, बेचैन में रहता था, हैं कभी सुखी भवा में हम शंकर जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कब मैं सुखी बनूंगा, कब मैं सुखी बनूंगा, मतलब दुखी दुखी है, हैं दुखी दुखी है। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, हाँ सुखी बन सकते हो, तो सुखी कैसे बनोगे, सुखी कैसे बनोगे, जैसे महाप्रभु रोते थे जब हरि कीर्तन करते थे, अपने आप रोता था, दुनिया को शिक्षा देते हैं, तभी जीवन में हम सुखी बन सकते हैं, हम जब जीवन में भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तभी जीवन में हम सुखी हो सकते हैं। इसलिए श्रीमान महाप्रभु कहते हैं भव महादवाग्नि निर्वापनम, भव महादवाग्नि निर्वापनम, महाप्रभु कहते हैं ये भाव रूपी, भव मतलब पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हम जो पुनर्वार जन्म मृत्यु दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, महाप्रभु कहते अगर कोई व्यक्ति हरि नाम कीर्तन करेगा तो फिर क्या होगा, हरि नाम कीर्तन कर से निर्वापनम, निर्वापनम मतलब क्या है, जैसे कहीं आग लग जाए, अगर वो आग को बुझा लो फिर तो भैया आग तो पकड़ सकती है ना, फिर तो आग लग सकती है, लेकिन कहते भगवान का नाम जप करने से परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान का नाम रूपी कीर्तन करने से निर्वापनम, मतलब जन्म जन्मांतर के लिए ये जन्म मृत्यु का दुख कष्ट चिरकाल के लिए मिट जाएगी। इसलिए महाप्रभु बचपन में ये शिक्षा देते थे महाप्रभु, इसलिए महाप्रभु जब छोटे बच्चे थे, बड़े बड़े देवता लोग हैं, कभी बड़े बड़े देवता लोग, हाँ बड़े बड़े सब देवियां, ये सब के सब गुप्त रूप में आ करके महाप्रभु को दर्शन करते थे, जब दर्शन करते थे इतने में वो दिखते नहीं, लेकिन कभी परछाई दिखती थी, इसलिए माताएं सोचती थी ये सब कोई तो लोग है नहीं, परछाई कहाँ से दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है बच्चे को ऊपर में कोई मारने के लिए तो नहीं आते हैं, इसलिए वो क्या करती थी, सबके सब नरसिंह भगवान की मंत्र पाठ करती थी, क्योंकि भगवान नरसिंह देव का मंत्र पाठ करने से वंदना कर से जीवन का सारे दुख कष्ट दूर हो जाएगा, सबके सब नरसिंह भगवान की प्रार्थना करते थी, और सब बोले मिथ्या कबू नहे शास्त्र वाणी तैवे राखे शिशु वृद्ध अनाथ आपनी, यहाँ पर कह रहे हैं कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु केवल 4 महीना के भी महाप्रभु, लेकिन घर में जब कोई नहीं रहते थे है? घर में जब कोई नहीं रहते थे, बोले जगत जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले श्री ताऊ भैया की, बोले श्री सुभद्रा देवी की, बोले श्री सुदर्शन चक्र की, सचिनंदन गौर हरि की, महाप्रभु जब केवल 4 महीना के थे, जब कोई घर में नहीं रहते थे, भगवान है ना, जब घर में कोई नहीं रहते महाप्रभु क्या करते थे, हम उठ कर चले जाते थे, जाकर क्या करते थे, घर का जितने सामान है ना सारे सामान को इधर उधर इधर उधर फेंक फांक करके है इधर उधर फेंक फांक करके सारे सामान को फिर सब सो जाते थे, क्योंकि 4 महीना का बच्चा कितना बड़ा होता है, है? छोटा सा होता है, अभी भी घुटन पर भी चलना नहीं आता, लेकिन महाप्रभु बिगार बिगार करके रहते थे, अगर चुपचाप सो, जब मैया आती थी परिवार आती थी, बोले ये क्या बिखरा हुआ क्यों है, क्या कारण है, बोलते थे हाँ लगता है कोई दुष्ट कोई राक्षस ने हमारे लाला के ऊपर में कोई अनहोनी करने का था, हैं क्योंकि महाप्रभु जन्म होने से पहले हैं कहते उनकी 8 कन्या संसार में 8 बेटी की मृत्यु हुई थी, हैं मृत्यु हुई थी, इसलिए बोले डरे नाम थुईला, उनका बचपन का नाम रखा क्या निमाई नाम रखा, निमाई नाम क्यों रखा, बोले जो कहते बड़ी क्योंकि जब जल्दी जल्दी ले जाएगा, अगर कोई करेगा छुएगा ना, भाई कड़ुआ नाम है इसका नाम कड़ुआ नाम, इसलिए डरे नाम थुईला निमाई, महाप्रभु का नाम उन्होंने निमाई नाम रखा था, इसलिए वो समझ गए आए थे तो कोई गड़बड़ी करने के लिए,
लेकिन कुछ नहीं कर पाए। बोले क्यों नहीं कर पाए? बोले सबे बोले मिथ्या कबु नहे शास्त्र वाणी दैव राखे शिशु वृद्ध अनाथ अपने। शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता है। जो अनाथ है, जो बच्चे हैं, उनको कौन रखा करते हैं? उनको दैव रखा करते, ठाकुर जी रखा करते हैं। इसलिए इसका कुछ कुछ बिगाड़ नहीं पाए। यहाँ अन्य ज्येष्ठ कन्या पुत्र नाई से जन्म ए तार नाम से निमाई। यहाँ अन्य ज्येष्ठ कन्या पुत्र नाई, यदि इनकी ज्येष्ठ कन्या और सची मैया के पुत्र नहीं थे, इसलिए इनका नाम श्री निमाई रखे। बोले इनका नाम और क्या रखे नाम? कहते इनका नाम रखा विश्वभर नाम रखा। बोले इनका नाम विश्वभर नाम क्यों रखा? इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर तीन चार कारण बताते हैं इनका नाम उन्होंने विश्वभर क्यों नाम रखा। बोले पहला काम, पहला अर्थ बताए, भगवान जैसे बराह अवतार में इन्होंने पृथ्वी को उद्धार किया था है, इसलिए विश्वभर मतलब क्या? विश्व ब्रह्मांड को जो भरण पोषण करते, जो रक्षा करते हैं, इसलिए ये एक कारण है विश्वम्भर है। तो दूसरा कारण क्या है? कहते प्रभु वेद उधारे। कहते भगवान ने क्या किया था? मत्स्य अवतार भी जैसे बराह अवतार में पृथ्वी को उधार किया, और मत्स्य अवतार में इन्होंने चारी वेद को उन्होंने उधार किया था, इसलिए इनका एक नाम भी विश्वम्भर है। इसका तीसरा कारण क्या है? भगवान बहु बार अवतरण ग्रहण करके इन्होंने बहुत सारे दैत्यों को उन्होंने वध किया है, इसलिए इनका नाम भी विश्वम्भर है। और उसका जो चौथा कारण क्या है, इन नाम विश्वम्भर नाम क्यों रखा? कहते हैं ये बच्चा जन्म लेने से पहले इस जगत में है बड़ा दुर्भिक्ष था, लेकिन ये केवल जब ये बच्चा जन्म लिया, जन्म लेते ही हाँ उन्होंने कहता जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्व दत्रहि। भगवान स्वयं आने वाले, साधारण कोई मंत्री आए तो उसके लिए कितने स्वागत होता है, जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक आने वाले तो उनके लिए कितना सेवा नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहते माँ लक्ष्मी की मानो ये नवद्वीप धाम ये क्रीड़ा भूमि बन गई, बड़ी सुंदर फल फूल सस्य हरा भरा करके ये पृथ्वी को है लक्ष्मी देवी ने एकदम सुंदर रूप में सजा दिया है। कहते ये एक विश्वम्भर, लेकिन वास्तव रूप में इनका नाम विश्वम्भर नाम क्यों रखा? बोले उन्होंने हरि कीर्तन को द्वारा, हरि नाम को द्वारा क्या करेंगे? विश्व ब्रह्मांड को भरण पोषण करेंगे है, विश्व ब्रह्मांड को भरण पोषण करेंगे। इसलिए जो वास्तव जो विश्व भर है, भक्ति को द्वारा, प्रेम को द्वारा जो विश्व ब्रह्मांड को भरण पोषण करेंगे, इनका नाम श्री विश्वम्भर नाम रखे। लेकिन महाप्रभु जब और थोड़ी सी बड़े हुए, जब घुटन पर चलना शुरू किया, उसको बाद में होता है रुचि परीक्षा। कहते रुचि परीक्षा में वहां पर बहुत सारे चीजों को रुचि परीक्षा के लिए बहुत सारे चीज रख दिया है, वहां पर खाने का चीज रख दिया, सोने का चीज खाई और तरह तरह का चीज, और श्रीमद् भागवत ग्रंथ भी रुचि परीक्षा में रखे। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु को छोड़े, महाप्रभु गुठन पर चलते चलते उन्होंने किसी चीज को उन्होंने धारण नहीं किया, केवल उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को ही महाप्रभु ने धारण किया। इसको देख करके ज्योतिष ने समझ गए ये बच्चा बड़े होने पर ये विश्व ब्रह्मांड में ये भागवत धर्म को ये प्रचार करेगा, क्योंकि जो भागवत धर्म है कहते ना सबे पुंसा परो धर्म जत भक्ति रदक सजे आहेतु की अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्धति। आत्मा को पूर्ण शांति कब मिलेगा? मतलब आत्मा को पूर्ण शांति तभी मिलेगा सबई पुंसांग परो धर्म, यही जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म है कि आ जत भक्ति रदक सजे, अधक सज जो भगवान उनको भक्ति करना ही यही जीव का परम धर्म, और इसी को द्वारा ही जीव को परम शांति परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि तो वहां पर और भी तो बहुत सारी चीज था, जैसे सोना चांदी खई, और वहां पर बहुत बहुत सारी खाने पीने का चीज था, लेकिन महाप्रभु ने उसको क्यों धारण नहीं किया? तब उन्होंने केवल ये भागवत ग्रंथों को क्यों धारण किया? तो यहाँ पर महाप्रभु जगत को शिक्षा देते हैं, कहती जो प्राकृत वस्तु, ये जो सांसारिक वस्तु है, ये कभी जीव का शांति
परम सुख दे ही नहीं सकता है, क्योंकि ये संसार दुखालयम असाधत्वम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कद अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। मतलब जीव तो शांति ढूंढता है, लेकिन कहाँ पर शांति ढूंढता है, बोले ये माया की वस्तु में, ये अनित्य वस्तु में जीव सुख ढूंढता है। अरे जो स्वयं अनित्य है, एक दिन नष्ट होने वाली, तुमको परम शांति कैसे दे सकता है? पर शांति कौन देगा? बोले ब्रह्म जिज्ञासा, जो बड़े तुम्हें वो बड़े बना सकता है, जो रस स्वरूप तुम्हें वो रस दे सकता है, जो आनंद स्वरूप वो तुम्हें आनंद दे सकता है, जो प्रेम स्वरूप तुम्हें वो प्रेम को दे सकता है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, महाप्रभु शिक्षा देते हैं, देखो ये दुनियादारी वस्तु कभी तुम्हें शांति देने वाले नहीं, ये केवल दुख और उद्विग्न देने वाले। शांति क्या देगा? ये भागवत ही है। और भागवत का धर्म क्या है, भागवत का सार क्या है? कहती है भागवत एक, इसका और एक नाम है नाम पुराण। भागवत का एक नाम है नाम पुराण। इसका मतलब है ये भागवत में नाम की महिमा जितने बताई गई, और किसी शास्त्र में नाम की इतने महिमा नहीं बताई गई। इसलिए भागवत शुरुआत में नाम को द्वारा शुरुआत होता है, और लास्ट में भी अंतिम भी ये नाम को द्वारा ही समाप्त तो होता है। इसका तात्पर्य है भागवत का जो सार है भगवान का नाम है। और हमारे जीवन में भी देखो, हमारे जीवन जो शरीर छूट जाएगा, जो चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, वो क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? यही बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले भगवान के नाम के सिवाय तुमने जो कुछ किया है, तुमने सब झूठे में जीवन बिताया, तुम्हारे साथ में और कुछ भी नहीं जा रहा है, केवल भगवान का नाम ही तुम्हारे साथ में, ठाकुर का नाम ही जा रहा है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने जीवन जीवन में उन्होंने ये शिक्षा देने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को उन्होंने धारण किया, और उन्होंने जगत को शिक्षा दिया भगवान का नाम ही करो। अभी महाप्रभु जब छोटे बच्चे थे, 4 महीना का है, 4 महीना के बच्चे थे, कभी कभी महाप्रभु घर में है, महाप्रभु कभी कभी जब कोई नहीं रहते थे, महाप्रभु घर में घूमते थे, जब कोई घर में नहीं रहते थे, केवल 4 महीने के घूमते थे, लेकिन महाप्रभु का चरण में वही कृष्ण अविर्ण महाप्रभु, उनकी चरण में उन्हीं से चिन्ह होता है। जब महाप्रभु घर में घूमते थे, घर में महाप्रभु का सुंदर सुंदर चरा छाप, आज इसमें शंख चक्र गदा पद्म ध्वजा वज्र अकुश, सुंदर सुंदर घर में चरण चिन्ह पड़ा रहता था। जगन्नाथ मिश्र सची माँ आकर बोलते थे, जगन्नाथ मिश्र बोलते थे, हमारे घर में जो शालग्राम है ना, ये दामोदर शालग्राम है, हमारे घर में ये दामोदर शालग्राम है, लगता है ये कभी कभी ये जो ठाकुर है ये घर में घूमते हैं। सची कहते सची माँ सची को देते, देखो लगता है हमारा जगत में और दोबारा हमारा जन्म ही नहीं होगा, हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा, क्योंकि जिसके घर में स्वयं ठाकुर जी घूमते रहे, जिस घर में ठाकुर का चरण चिन्ह दिखे, वो थोड़ी जगत में दोबारा जन्म होगा, बोले और हमारे जगत में दोबारा जन्म नहीं होगा, लगता ही हमारी हमारी लास्ट जन्म है। इसलिए कहते हैं सुनो मिश्र, बोले सुनो विश्व रूप जननी घृत परमार्ण रांधो अपनी, विश्व रूप के मैया फुर्क आवाज, लगता है घर में ये शालग्राम है ना, ठाकुर जी घर में घूमते हैं, इसलिए नुपुर की सुंदर सुंदर नुपुर की आवाज आती है। इसलिए भगवान सुंदर सुंदर महापुरुष लीला करते थे, करते करते महापुरुष जब थोड़ी सी बड़े हुए, एक दिन महाप्रभु की इच्छा से घर में एक तैथिक विप्र तीर्थ करते, एक तैथिक विप्र घर में आते हैं, और कैसे महाप्रभु उनको प्रेम कृपा करते हैं, और कैसे उनको अष्टभुज रूप में उनको दर्शन देते हैं, ये कथा हम कल सुनेंगे। अभी हम लोग थोड़ी सी कीर्तन करेंगे, इसलिए कीर्तन करेंगे, कल हम लोगों ने कीर्तन किया था, क्योंकि जगत में जो ये कोरोना वायरस है ये धीरे धीरे नष्ट हो जाए और हमारी जगत में शांति और सुख हो। क्योंकि पुराण में एक श्लोक है, पुराण में एक श्लोक है, कहते जो भगवान का नाम को जब जप करते हैं, भगवान का नाम जप से जितना तरह का दुख कष्ट जगत का, सब के सब दुख कष्ट नष्ट हो जाता है।
कहते अब लोग जो श्रवण कर रहे हैं YouTube में जो सुन रहे हैं, देखो ये जो श्लोक है ये बृहद विष्णु पुराण में बताया, बोले सर्प रोग उपशमनम सर्प उपद्रव नाशनम शांति शांति दरम सर्वारिष्टाम हरे नामानु कीर्तनम। ये बृहद विष्णु पुराण में बताए भगवान का नाम कीर्तन से क्या होता है, बोले सर्प रोग उपशमनम का जितने सारे रोग है सारे रोग नष्ट हो जाता है, बोले सर्प उपद्रव नाशनम जितने तरह का उपद्रव है सारे उपद्रव भी नष्ट हो जाती हैं, बोले शांतिदम जीवन में शांति मिलती है और सर्व अरिष्टानाम हरे, कहते जितना जीवन में कोई अगर आपका शत्रु हो भगवान का नाम ग्रहण करने से सारे शत्रु भी नष्ट हो जाता है, कहते बृहद पुराण में बताया। अब बृहद नारदीय पुराण में क्या बताया, बोले अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भाषिता नाशन्ति सकल रोगा सत्य सत्यम बदाम्यहम। कभी ये श्लोक में बताए भगवान अच्युत गोविंद ये सब नाम उच्चारण से क्या होता है कि जितने तरह का रोग सारे रोग सबके सब नष्ट हो जाता है, बोले सत्य सत्यम बदाम्यहम कभी बात को मैं सच सच बताता हूँ, बोले कोटि गोकोटि दान ग्रहणे खगस प्रयाग गंग तोक कल्पवास जज्ञा जुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तने। श्लोक याद है समम संता सत सत्ता सही, कहते गोकर्ण कोटि दान ग्रहणे हैं, कहते अगर गो कोटि कहते अगर करोड़ों कोई गैया को दान दे हैं और क्या प्रयाग गंग दो के कल्पवास, अगर कोई गंगा किनारा में एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार कोई गंगा में कल्पवास करे, अगर कोई पर्वत आकार में कोई सुवर्ण दान ग्रहण करे, लेकिन गोविंद कीर्तन में जो महत्व है उसको हजार हजार हैं में जो कीर्तन उसका एक सतांशे है मतलब उसका एक सौ का एक भाग को साथ में कीर्तन कृष्ण कीर्तन में जो महिमा है उसको साथ में उसको बराबर नहीं कर सकते, इसलिए भगवान का कीर्तन में बहुत बहुत लाभ है बहुत महिमा है, इसलिए आज हम लोग थोड़ी सी ठाकुर का कीर्तन करेंगे सबके सब मृदंग बजाओ। और जो लोग देख रहे हैं अब लोग हमारे पीछे पीछे भी मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए सबके सब कीर्तन करें। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे। अब बोलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हा गोविंद राधे बोल गोपाल राधे हा गोविंद राधे बोल गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे चलो जब बोला फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोला Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hari Bol Hari 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 Bol Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jai Sachi Nandana Jai 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 Gauranga
स्वामी महाराज की जय। इधर लीला प्रवृष्ण विष्णु व्यास मृत भक्ति प्रज्ञान
केशव गोस्वामी महाराज की जय, भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय, सफर कर गौर हरि की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, भक्तदेव तुलसीदेव की जय, श्री गोविंद गोपनाथ मदन मोहन जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय, सफर कर गौर हरि की जय, ताई गौर परमानंद हरि हरि।